नालंदा स्कूल गोधरा। कक्षा 4 विषय हिंदी। इकाई 8 चतुर चूहा कहानी। एक नंबर, एक खाली जग्या था। अहीं तमने विकल्प आपेलो छे, ए चूहा, बी बिल्ली, सी सेब, डी बाघ। तो उत्तर शुं आवशे? चूहा ए। आपणे खाली जग्या में उत्तर लखीशुं चूहा अने विकल्प में लखीशुं ए। एक चूहा था। बे नंबर, चूहे को रास्ते पर क्या मिला? उत्तर, चूहे को रास्ते पर कपड़े का एक टुकड़ा मिला। तो आपणे लखीशुं, चूहे को रास्ते पर कपड़े का एक टुकड़ा मिला। एक टुकड़ा मिला। फिर से बे नंबर, चूहे को रास्ते पर क्या मिला? उत्तर, चूहे को रास्ते पर कपड़े का एक टुकड़ा मिला। त्रण नंबर, चूहे ने खाली जगह की दुकान देखी। अहीं तमने कौश आपेलो छे, नाई अने दर्जी। तो खाली जग्या में शुं उत्तर आवे? दर्जी। तो आपणे उत्तर लखीशुं दर्जी। चूहे ने दर्जी की दुकान देखी। चार नंबर, चूहा कपड़ा लेकर सबसे पहले किसके पास गया? उत्तर, चूहा कपड़ा लेकर सबसे पहले दर्जी के पास गया। तो आपणे उत्तर लखीशुं, चूहा कपड़ा लेकर सबसे पहले दर्जी के पास गया। फुल स्टॉप। फरीथी चार नंबर, चूहा कपड़ा लेकर सबसे पहले किसके पास गया? उत्तर, चूहा कपड़ा लेकर सबसे पहले दर्जी के पास गया। पांच नंबर, चूहे ने दर्जी से क्या कहा? उत्तर, चूहे ने दर्जी से कहा कि इसकी एक टोपी सी दे। तो आपने उत्तर लखीशुं, चूहे ने दर्जी को कहा कि अवतरण चिन्ह में लखवानुं छे, इसकी एक टोपी सी दे। इसकी एक टोपी सी दे। अवतरण चिन्ह पूरा अने फुल स्टॉप। फरीथी पांच नंबर, चूहे ने दर्जी से क्या कहा? उत्तर, चूहे ने दर्जी को कहा कि इसकी एक टोपी सी दे। छह नंबर, दर्जी ने चूहे से क्या कहा? उत्तर, दर्जी ने चूहे से कहा कि चल रास्ता नाप, वरना कैची उठाकर मारूंगा। हवे आपणे उत्तर लखीशुं, उत्तर, दर्जी ने चूहे को कहा कि चल रास्ता नाप, रास्ता नाप, वरना कैंची उठाकर मारूंगा।
उत्तरण चिन्ह पूरा। छ नंबर, दर्जी ने चूहे से क्या कहा? उत्तर, दर्जी ने चूहे को कहा कि चल रास्ता नाप वरना कैंची उठाकर मारूंगा। सात नंबर, दर्जी क्यों डर गया? उत्तर, दर्जी ने टोपी सिलने से मना कर दिया तो चूहे ने कचहरी में जाने और सिपाही को बुलाकर लाने के लिए कहा, इसलिए दर्जी डर गया। तो अब अपने उत्तर लखीशु, दर्जी ने टोपी सिलने से मना कर दिया, पूर्ण विराम। दर्जी ने टोपी सिलने से मना कर दिया तो चूहे ने कचहरी यानी अदालत, कचहरी में जाने और सिपाही को बुलाकर लाने के लिए कहा, इसलिए दर्जी डर गया। फुल स्टॉप। फरीथी सात नंबर, दर्जी क्यों डर गया? उत्तर, दर्जी ने टोपी सिलने से मना कर दिया तो चूहे ने कचहरी में जाने और सिपाही को बुलाकर लाने के लिए कहा, इसलिए दर्जी डर गया। आठ नंबर, दर्जी ने झटपट खाली जगह सीधी, तो खाली जगह में उत्तर शू आवे? टोपी। तो आपने लखीशु टोपी, दर्जी ने झटपट टोपी सीधी। नौ नंबर, चूहे को टोपी पर खाली जगह कढ़ाने की इच्छा हुई, तो खाली जगह में उत्तर शू आवे? कसीदा यानी भरत काम। फरीथी नौ नंबर, चूहे को टोपी पर कसीदा कढ़ाने की इच्छा हुई। दस नंबर, चूहा कसीदा कढ़ाने के किसके पास गया? उत्तर, चूहा कसीदा कढ़ाने के लिए कसीदेकार के पास गया। तो अपने उत्तर लखीशु, चूहा कसीदा कढ़ाने के लिए कसीदेकार के पास गया। फरीथी दस नंबर, चूहा कसीदा कढ़ाने के किसके पास गया? उत्तर, चूहा कसीदा कढ़ाने के लिए कसीदेकार के पास गया। अग्यारह नंबर, कसीदाकार ने चूहे से क्या कहा? उत्तर, कसीदाकार ने चूहे से कहा, चल चल यहाँ किसे फुर्सत है? बराबर। तो आपने उत्तर लखीशु, कसीदाकार ने चूहे से कहा, अवतरण चिन्हमां लखवानुं छे, चल चल यहां किसे फुर्सत है। फुर्सत एटले आपणे कहीए समय, बराबर, फुर्सत है। अवतरण चिन्ह पूरा। फरीथी अग्यार नंबर, कसीदाकार ने चूहे से क्या कहा? उत्तर, कसीदाकार ने चूहे से कहा, चल चल यहाँ किसे फुर्सत है? बार नंबर,
कसीदाकार क्या सुनकर घबराया? उत्तर, कसीदाकार चूहे की कचरी जाने और सिपाही को बुलाने की बात सुनकर घबरा गया। तो उत्तर लखीसु आपने, कसीदाकार चूहे की कचरी जाने और सिपाही को बुलाने की बात सुनकर घबरा गया। पूर्णविराम। फरीथी बार नंबर, कसीदाकार क्या सुनकर घबराया? उत्तर, कसीदाकार चूहे की कचरी जाने और सिपाही को बुलाने की बात सुनकर घबरा गया। तेर नंबर, कसीदाकार ने चूहे को कहां जाने से रोका? उत्तर, कसीदाकार ने चूहे को कचरी में जाने से रोका। तो आपने उत्तर लखीसु, कसीदाकार ने चूहे को कचरी में जाने से रोका। फरीथी ते नंबर, कसीदाकार ने चूहे को कहां जाने से रोका? उत्तर, कसीदाकार ने चूहे को कचरी में जाने से रोका। चौदह नंबर, चूहा कब खुश हुआ? उत्तर, कसीदाकार द्वारा टोपी पर कसीदा काढ़ने पर चूहा खुश हुआ। चौदह नंबर, चूहा कब खुश हुआ? उत्तर, कसीदाकार द्वारा टोपी पर कसीदा काढ़ने पर चूहा खुश हुआ। पंद्रह नंबर, कसीदाकार क्या करता है? उत्तर, कसीदाकार कपड़ों पर कसीदा काढ़ता है। तो आपने उत्तर लखीसु, कसीदाकार कपड़ों पर कसीदा काढ़ता है। फरीथी पंद्रह नंबर, कसीदाकार क्या करता है? उत्तर, कसीदाकार कपड़ों पर कसीदा काढ़ता है।